केलांचल टाइम, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम से। मैं हूँ आपके साथ वंदना। इस वक्त हम है सनहौला पश्चिम क्षेत्र 30 में और हमारे साथ में जिला परिषद प्रत्याशी नीलू भारती और उनके साथ है निवेदक महेंद्र प्रसाद सिंह। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता के साथ हुई इनकी बातचीत की एक रिपोर्ट। अगर चुनाव जीतती है तो क्या क्या काम करेंगे? जनता की सेवा करूंगी। ठीक है। गांव में नल पानी का व्यवस्था करूंगी। ठीक है। और शिक्षा में सुधार लाएंगे। स्वास्थ्य के लिए पंचायत में डॉक्टरों का व्यवस्था करेंगे। लोगों को पेंशन, बूढ़े बुजुर्गों को दिलाने का कार्य करूंगी। पुस्तकालय की स्थापना करूंगी। खेल कूद के मैदान का चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है आपका? जनता की सेवा करेंगे। दबे कुचले लोगों को आगे फ्रंट में लाएंगे। अच्छा, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं जी। अपना विकास नहीं होगा? अपना विकास तो जनता का विकास ही अपना विकास समझेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या कार्य करेंगे इस क्षेत्र के? जनता की सेवा के लिए मैं जो भी तत्पर रहूंगा और काम करूंगा और प्रत्येक पंचायत में अपना मतलब कि जनता दरबार लगा करके और जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसे कि लोगों को वृद्धा पेंशन है, लक्ष्मीबाई पेंशन है, विकलांग पेंशन है, लेप्रोसी वाले लोग हैं और किसी किसी को मैंने कि जैसे कि अब इंदिरा आवास की जहाँ तक समस्या है, इस इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार बहुत है। उस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर करके गरीबों को सही रूप में बिना पैसा दिए इंदिरा आवास मुहैया कराने का काम करूँगा। शिक्षा पर क्या करेंगे? शिक्षा के विकास के लिए हम जितने भी मेघावी छात्र है और मेघावी छात्र के लिए एक हम यूनिट बनाएंगे और मेघावी छात्रों को अनुदान दिलाने का काम करेंगे और उसके उसको सेवा प्रदान करने का मतलब है कि उसको हम प्राइज वितरण का भी मैं काम करूंगा। स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए तो मैं प्रत्येक पंचायत में स्वास्थ्य के लिए एक भवन बना हुआ है, वहाँ डॉक्टर की नर्स वगैरह वगैरह की व्यवस्था मैं करूँगा। जो समय पर नहीं आता उसका निगरानी मैं करूँगा। बहुत सारे पंचायत में लोगों को पेंशन नहीं मिल पाता है, इनके लिए तो हम बोले कि हम जनता दरबार लगा करके आवेदन लेंगे और आवेदन ले करके जो विभागीय कार्य जो है प्रोसेस में उसको डाल करके रोजगार के लिए। रोजगार तो मैया देखिए, रोजगार के लिए तो हम लोग उतना नहीं कर सकते हैं इसलिए कि हम लोग तो छोटे पद के हैं, लेकिन रोजगार का तो बड़े बड़े लोग MLA MP है, बड़े बड़े फैक्ट्री खोलेंगे उसी में रोजगार उसका होगा और उसके लिए आगे हम बात करेंगे जिला की बैठक में, ये सब प्रस्ताव हम रखेंगे कि रोजगार का कुछ उपाय होना चाहिए। जहाँ विवाह भवन भी बहुत सारे पंचायत में नहीं है। हाँ, विवाह भवन यह बहुत भेटल मीटर है और आजकल तो विवाह घर में लोग बहुत ही कम जगह रहता है, विवाह भवन होना जरूरी है और अगर हमारा फंड जिला परिषद बन गए तो हमारे फंड से एक विवाह भवन बनाने का भी मैं काम करूँगा। हर पंचायत में विवाह भवन बनाने का काम करूँगा। पंचायत में एक चीज और है, सड़क नाला की भी छोटी छोटी समस्याएं। हाँ, सड़क नाला का तो सरकार मतलब कि अभी मुखिया के फंड में देता है और मुखिया वार्ड को देता है और नली गली जल के लिए तो मुखिया को देता है, उस पर मेरा निगरानी रहेगा कि अच्छे से काम हो। जहाँ पर आपके क्षेत्र में एक महिला विद्यालय भी नहीं है, महिला महाविद्यालय नहीं है उसके लिए? हाँ, महिला महाविद्यालय नहीं है, पहले तो महिला हाई स्कूल होना चाहिए, प्लस टू होना चाहिए, उसके बाद ही विद्यालय का काम होगा। तो पहले तो महिला विद्यालय होना चाहिए, प्लस टू का जो है महिला विद्यालय एक ही इस प्रखंड में मात्र सनहौला में है। सनहौला में भी नहीं है। सनहौला में भी नहीं है।
इनको अब ठीक करेंगे। इसके लिए हम प्रयास करेंगे एक महिला विद्यालय। जात पात की राजनीति? जात पात की मैं राजनीति नहीं करता हूँ, न करूँगा कभी, न कभी किए। मैं मानवता को प्रधानता देता हूँ कि मानवता जो है सबसे बड़ा चीज है, मानवता जिसमें है वह जात से रिलेटेड नहीं होता। पुस्तकालय की स्थापना के लिए कुछ सोचा? पुस्तकालय तो मैं करवाया था इस बार, और पुस्तकालय भी खुलवाने का मैं काम करूंगा। खेलकूद के मैदान? खेलकूद का मैदान तो बहुत छोटा मैदान है, और कहीं कहीं जो मैदान है वहाँ भी मैं क्रिकेट का उद्घाटन किया और अच्छा रहा, और बच्चे लोगों को सराहना दिया कि खेलकूद से भी लोगों का विकास होता है। खेलकूद के लिए सरकार जो है उसके लिए एक नौकरी का भी प्रावधान दिया है, जो कि अच्छे खिलाड़ी हैं उसको नौकरी भी दिया। इस बार क्या लगता है इस क्षेत्र से? इस क्षेत्र से लगता है कि मैं बहुत वोट से जीतूंगा, इसलिए उम्मीद है, इसलिए कि मेरा व्यवहार ही 25-30 वर्षों से मैं राजनीति में हूँ और सेवा की भावना से हूँ। हमको किसी भी गांव पंचायत में जाने से पहचान की जरूरत नहीं है, मैं खुद लोग स्वागत करते हैं और बोल रहे हैं आम जनता कि आज इस बार कोई अच्छा जिला परिषद हम लोगों को मिलेगा। पहले विकल्प नहीं था, अच्छा उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, इसलिए लोग चिंतित थे। इस बार लोग सब खुशी मनाते हैं, जहां भी जाते हैं हमारा बहुत स्वागत हो, और इस बार हमको वोट जनता देगी, विश्वास है हमको, और बहुत अधिक मतों से मैं जीतूंगा।